और काफी बड़ा वेंटिलेशन दिया हुआ है और होल्स दिए गए हैं। बार बार बता रहा हूँ RMS 4 2000 है, इसीलिए आप एम्पलीफायर तगड़ा एम्पलीफायर लगा मैं इसमें। Let's begin. सबसे पहले मैं क्यूबिक्स 2000 वाट्स का मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। देखकर ही लग रहा है इंपोर्टेड पेपर कोन है और इसकी पेपर फिनिशिंग भी काफी हटके है और नोटेक्स में काफी यहाँ पर अरे तेरी तो तेरी नानी याद आ गई। वेलकम बैक टू वन मोर ब्लॉग ऑफ बीज इंडिया। हाँ तो आज मेरे पास आ गया जबरदस्त दो ब्रांड का एक कॉम्पिटिशन, यानी आज मैं अनबॉक्सिंग के साथ साथ आज मैं एक अनटोल्ड कंपेरिजन लेकर आया हूँ और वो है मेरे पास नोट्रैक्स वर्स क्यूबिक्स। देखिए आपको पता है मैं तकरीबन मेरे पास 250 से 300 से ज़्यादा मेरे पास ब्रांड्स हैं और मैं बता देता हूँ ISO ब्रांड्स और ISI ब्रांड्स। देखिए आलतू फालतू के ब्रांड तो रोज एक ना एक आते रहते हैं, लेकिन ISO वो ब्रांड होता है जिसका वेबसाइट ऑथराइज, जिसमें YouTube में कम से कम 50 से ज़्यादा वीडियो हो और Google में सर्च मारते के साथ ही उसका ऑथराइज वेबसाइट एड्रेस और उसका मतलब पूरा एड्रेस आ जाए, उसे कहते हैं ISI और ISO। ठीक है, रोज नए नए कंपनी आते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं है कब बंद हो जाए, लेकिन ऐसी कंपनीज को सबसे पहले तलाशी है और ऐसी चीज मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, तो इस जानकारी का देने का मकसद ये है कि जब आप जब भी खरीदे तो ऐसे सामान को खरीदोगे, एक तो क्वालिटी मिलेगा और उसका जो आउटपुट है काफी अच्छा मिलेगा। आज मेरे पास दो हैं, मेरे पास 1200 वाट और दूसरी तरफ है मेरे पास 2000 वाट। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैंने महा डीजे करके एक बड़ा सा रेड वाला एक दिखाया था कि डीजे कैसे शुरू करें, उसमें आपको बता रखा है ऑलरेडी, इसका अनबॉक्सिंग कर चुका हूं इस वाले मॉडल का क्यूबिक 2000 वॉट का। लेकिन आज हम एक कंपटीशन करवा के देखेंगे, क्योंकि देखो इसकी कीमत अलग है, उसकी कीमत अलग है, इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है, ये कंपनी अलग है, ये कंपनी अलग है, लेकिन ये क्यों लूँ और ये क्यों लूँ, है ना, समझने वाली बात है ना। अगर इस तरह के ब्रांड अगर मार्केट में लेना चाहेंगे, अगर क्यूबिक्स की बात करें या नोट्रैक्स की बात करें, ब्रांड की बात नहीं, अगर वाट्स की बात करें, 1200 वाट्स का जो स्पीकर होता है मार्केट में मिलता है तकरीबन 6 से 10-15 हज़ार के आसपास, और उसी टाइप अगर हम 2000 वाट्स की स्पीकर की बात करें कम से कम 14,000 से लेकर 30,000 तक मार्केट में बिकता है। अलग अलग ब्रांड की बात बता रहा हूँ, ये काफ़ी भारी है, अभी मैंने उठा के रखते समय मैं खुद गिर गया, इतना भारी है क्यूबिक्स का स्पीकर। लेकिन वेट की बात नहीं है, भारीपन से कुछ नहीं होने वाला भाई, हमें सस्ते में तगड़ा बास चाहिए और सब कुछ हम तलाशेंगे इस वीडियो के अंदर, सब कुछ जांचेंगे। दोनों का साउंड टेस्ट भी करा के अभी हम देखने जा रहे हैं। लेट्स गो टू अनबॉक्सिंग एंड अनटोल्ड कंपैरिजन क्यूबिक्स 2000 वॉट्स PD मॉडल एंड नोट्रैक्स 1200 वॉट्स। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं क्यूबिक्स 2000 वॉट्स का मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। बड़ा भारी है तेरी, चलिए तो जब हम इसको खोलते हैं, ठीक है तो जल्दी से खोल लेता हूँ इसे मैं। यह तमिल डबिंग है, हालांकि इसे कोई मतलब नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में ये बिकता है, इसलिए मैंने आपको ये अनटोल्ड कंपैरिजन मैंने जो है तमिल में भी, हिंदी में भी, तेलुगु में भी, सब भाषा में डबिंग कर दिया। अगर आप किसी और ब्रांड में लेना चाहें, स्वीडन, ATA प्रो और इस तरह से ब्रांड जो इम्पोर्टेड ब्रांड्स हैं, JBL, 15 से 30 हज़ार के बीच में आता है 2000 वॉट, ये साफ साफ बताता हूँ। तो इसके डब्बे के अंदर एक डब्बा, ठीक है तो इसे भी खोल लेते हैं, इस डब्बे को भी और बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पूरा देखते हैं कैसा है इसका परफॉर्मेंस। अरे खुल जा यार, अरे तेरी तो तेरी नानी याद आ गई। और ये डब्बा अब खाली हो गया, अंदर से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। चलिए एक तरफ कर देता हूँ, इनका कोई अभी काम नहीं है। अब मैं उठा लेता हूँ नोट्रैक्स, देखिए हल्का है, ज़्यादा भारी नहीं है अगर क्यूबिक्स के मुकाबले, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ भारी से कोई मतलब नहीं है, हमें हल्का भी चाहिए और ज़बरदस्त पंच भी चाहिए। और देखिए लॉर्ड और नोट्रैक्स को उठा के लाने का सबसे ज़्यादा मतलब है, मैं बार बार बता रहा हूँ, लॉर्ड मतलब समझ लो क्यूबिक्स,
देखो कई लोगों का पता नहीं है, मैं बारह बताता हूँ, लॉर्ड इंडियन सीरीज में काम करता है और अमेजोन में बिकता है, आप लॉर्ड डाल के सर्च कर सकते हैं, और नोट्रैक्स भी इंडियन सीरीज में काम करता है। मैं ऐसी चीज ढूंढता हूँ, ऐसा ब्रांड ढूंढता हूँ जिसका वारंटी मिल जाए, सर्विस मिल जाए और कुछ नाम भी हो, ज्यादा नया भी मेरे को पसंद नहीं होता। नोट्रैक्स का सबवूफर कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए और क्यूबिक्स का सबवूफर कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, सीधी सी बात है। देखो अगर आप ग्राउंड में, पार्क में या बाहर मैदान पे अगर आप हिलाना चाहते हैं, वाइब्रेशन चाहते हैं, दबक जबरदस्त धमक चाहते हैं, तो आंख बंद करके क्यूबिक 2000 वाट लगाओ, लगभग कम से कम 2000 तो लगा ही लगाओ। लेकिन इंडोर के अंदर, मतलब मान लीजिए एक ऑडिटोरियम के अंदर, घर के अंदर, यानी छोटा मोटा जो फंक्शन टाइप जो होता है इंडोर, मतलब यानी तकरीबन जो 200 लोगों की कैपेसिटी होती है, जो रूम टाइप का, हॉल टाइप का, वहाँ आप चाहते हैं तो नोट्रैक्स सबसे बढ़िया। देखिए जैसे मैं नोट्रैक्स को खोलता हूँ तो इस तरीके का कुछ ब्रांडिंग मुझे मिल जाता है और इस तरीके मुझे क्वालिटी मिल जाता है, स्पीकर कौन और स्पीकर पेपर और क्यूबिक्स की बात जहाँ तक मैं करता हूँ, देखो इस तरीके से मिल जाता है, ठीक है। ये क्यूबिक्स का पेपर कौन आप देखेंगे, देखकर ही लग रहा है इम्पोर्टेड पेपर कौन है, और इसकी पेपर फिनिशिंग भी काफ़ी हटके है, और नोट्रैक्स में काफ़ी यहाँ पर ध्यान रखा गया पेपर का, अलग ही है वो भी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फोल्डेबल दिए गए, लेकिन इसका पेपर काफ़ी अलग है क्यूबिक्स का, मतलब 2000 वाट उस हिसाब से, और अगर नोट्रैक्स की बात करें 1200 वाट उस हिसाब से उन दोनों की बॉडी और चीज। अगर पीछे की चेज की बात करें और पूछे पीछे का डिटेल्स की बात करें, तो चलिए अब मैं इसको क्लोजअप आपको दिखाता हूँ, इसके डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन। ये देखिए उस तरफ इसका टर्मिनल है और ऊपर यहाँ पर स्टील, फुली स्टील मैग्नेट, और मॉडल नंबर यहाँ पर 18PD52 द प्रोफेशनल दिया गया है, एंड क्यूबिक्स यहाँ पर RMS पावर 2000 वाट्स, पीक पावर नहीं 2000 वाट RMS यानी रेगुलर पावर, और काफ़ी बड़ा वेंटिलेशन दिया हुआ है और होल्स दिए गए हैं, बार बार बता रहा हूँ RMS पावर 2000 है, इसीलिए आप एम्पलीफायर, तगड़ा एम्पलीफायर लगाना इसमें। और मैग्नेट देखो 200 OZ सेंसिटिविटी 98 dB है और 5 inch वॉइस कॉयल है। अगर आप जगह को हिलाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं उस जगह को, बाय गॉड इसे लगा दो, छा जाओगे DJ में। और मैग्नेट देखो कट मैग्नेट है, सादा मैग्नेट नहीं, कट मैग्नेट है, और इसके रेट काफ़ी सस्ता है। हालांकि जिस इस तरह के ब्रांड में अगर आप लेना चाहते हैं क्वालिटी में, अगर दूसरा ब्रांड, तो आपका जेब तो पूरा खाली जाएगा। और नोट्रैक्स की जहाँ तक बात करें, 1200 वाट, 1500 वाट, 2000 वाट इसमें भी आता, और ये है 1200 वाट, इसमें भी सेम है, 4 inch का वॉइस कॉयल है, 8 ohms है, वो भी 8 ohms था, ठीक है। और टर्मिनल वाइज अगर आप देखेंगे काफ़ी हैवी वायर दिए गए हैं, और पीछे से जब इसकी पेपर कोन की बात करते हैं नोट्रैक्स की, एक खुरदरापन दिया गया, और यहाँ इतना बड़ा मैग्नेट ऑफ बॉय, ये देखो मेरा हाथ इसमें, मेरा तो हाथ ही नहीं आ रहा, ये लो ये देखो भाई, दो हाथ चाहिए, और इसको नोट्रैक्स के लिए मैं एक हाथ यूज़ कर सकता हूँ, आई कैन यूज़ वन हैंड, और बट इट्स नॉट कम्फर्टेबल फॉर साइज ऑफ दिस मॉडल। एंड वी गेट ए टर्मिनल, टर्मिनल भी दिया गया है, और एक काफ़ी लार्ज एक होल दिया गया है, यू गेट ए होल फॉर वेंटिलेशन, ठीक है। या मज़ा आ जाएगा, ऐसी चीज़ होनी चाहिए, सस्ता भी हो और हिल भी जाए और वारंटी भी मिल जाए, सर्विस भी मिल जाए, ठीक है। दोनों ब्रांड की यही बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। आप डायरेक्ट इनके सर्विस सेंटर चले जाइए, या इनके डीलर काफ़ी जगह हैं, मैं बता देता हूँ, क्यूबिक्स और नोट्रैक्स के डीलर काफ़ी जगह हैं, विक्की वैन जी भी अब डीलरशिप ले चुके हैं। और देखिए जब सबवूफर की बात चली रही है, तो मैं आपको एक बात, आपको मैं फ्री टिप्स दे देता हूँ। देखिए स्लिम वाले मॉडल मत यूज़ कीजिए, स्लिम मॉडल जो मॉडल, कुछ मॉडल, सारे नहीं, कुछ कुछ मॉडल जो आते हैं ब्रांड में स्लिम मॉडल, वो ज़्यादा हिला नहीं पाते। हकीकत है कि जो बड़े वाले जो टोरंडस ट्रांसफार्मर वाले जो बड़े एम्पलीफायर जो होते हैं, उनके अंदर जो बेस का जो वेट जो निकलता है, जो भारीपन, वो बहुत ही तगड़ा होता है। लेकिन कुछ एच क्लास एम्पलीफायर हैं, AB क्लास के, जो स्लिम मॉडल में भी आते हैं, कुछ ब्रांड में, नाम नहीं लेना चाहता, वो हो सकता है, फिर भी मैं कहूँगा जो बड़े वाले एम्पलीफायर हैं वही लीजिए सब के लिए, और कम से कम वॉट्स बराबर डालिए। चलिए अब हम पिटारा खोलते हैं, साउंड टेस्ट भी शुरू कर दिया, कर देते हैं।
बाय गॉड है सस्ता और हल्का और इतना तगड़ा वाइब्रेशन निकल रहा है ना नोट्रैक्स में, ओ तेरी। अभी ये क्यूबिक्स की धाकड़ आवाज है या तबाही वाली आवाज कह सकते हैं, और ये बार बार वही मैं बता रहा हूं, ये मैदान में अगर चला गया ना, मतलब पार्क में या बाहर, तो भाई तोड़फोड़ मचा देगा। देखो दोनों स्पीकरों वाइब्रेशन में तो कोई कमी नहीं लग रही है, लेकिन इसमें एक चीज मेरे को अलग लगा, जब इसमें तेज आवाज निकल रहा तो पीछे ऐसा लगा जैसे पंखा चला दिया इसके पीछे, यानी इसके पीछे जो वेंटिलेशन, इतना तगड़ा हवा निकल रहा है इसके अंदर से। तो बहुत भारी था नोट्रैक्स आवाज में भी और वेट में भी, यानी उठाने में भी और आवाज में भी, और नोट्रैक्स मुझे हल्का भी लगा और आवाज में काफी जान लगी। दोनों के चेज की बात करें, दोनों ही कमाल के चेजेस हैं, ठीक है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट करें, लगातार हमारा नंबर नीचे डिस्प्ले होता रहता है। ऑनलाइन सर्विस भी है, इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं हमारा वेबसाइट है bizindiawallet.com, वहाँ पर भी जाकर आप इसे खरीद सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं कि आप हमसे ही खरीदें, आप डायरेक्ट डीलर, जहाँ भी आपके आसपास क्यूबिक्स का सामान या नोट्रैक्स का डीलर कोई होगा तो डायरेक्ट आप चले जाओ, आपके सामने मैं खुल के बताता हूँ और सारे जो ब्रांड्स हैं उसको बता के हम दिखाते भी हैं डिस्प्ले में। और अगर इसकी कोई भी पुर्जा सामान की ज़रूरत पड़ती है, और मैं आपको बता दूं क्यूबिक्स और नोट्रैक्स में तकरीबन मैंने 50 से ज़्यादा वीडियो बना रखे हैं अलग अलग, इसके एम्पलीफायर्स, इसके एसेसरीज, इसके मिक्सर्स, क्योंकि इतने सारे सामान हैं, सिर्फ स्पीकर्स ही नहीं बनाते, जैसे कुछ कंपनीज है सिर्फ स्पीकर्स पे ही अपना फोकस करती है, ये पूरे डीजे के सामान में फोकस करती है नोट्रैक्स और क्यूबिक्स, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ ही नहीं, इस वीडियो में मैं यहीं पर ही अपने वीडियो समाप्त भी करना चाहूँगा, और अपना ढेर सारा इस तरीके से प्यार देते रहिए। अगर खरीदना चाहते हैं आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कीजिए। टोकन मेंबरशिप है, अगर आप आइडिया चाहते हैं, अपना डीजे काम शुरू करना चाहते हैं, नया डीजे बनाना चाहते हैं बनाना, और इसमें दूसरी खास बात है कि हम होम डिलीवरी भी करते हैं। देखिए आप हमारे नज़दीक शॉप में आ सकते हैं तो ठीक है, हम होम डिलीवरी भी करते हैं। चलिए मैं, समय यहीं पर ही खत्म हो रहा है मेरा और जाने का समय आ चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय, थैंक यू।